नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिक्स GD20 प्रो 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका सारा कुछ निकल के आ चुका है। तो इस फोन में क्या कुछ मिलेगा और किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंड तक अभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। दोस्तों, इन्फिनिक्स GD20 प्रो 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका ऑफिशियल लुक वगैरह निकल के आ चुका है और जो भी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है वो भी निकल के आ चुका है। फोन काफी सॉलिड होने वाला है और काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा और इस फोन का प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। इवन आप मान सकते हो कि इन्फिनिक्स GT10 प्रो 5G स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज में आया था, उसी प्राइस रेंज में आने वाला है इन्फिनिक्स GT20 प्रो 5G स्मार्टफोन। लेकिन ये फोन ज्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये फोन आने वाला है बेटर ग्लिप्स इंटरफेस के साथ और बाकी स्पेसिफिकेशन भी काफी तगड़ा होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे इस फोन का फर्स्ट लुक। ये फोन तीन कलर के साथ आने वाले हैं और तीनों कलर काफी सही है। फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही ये फोन आने वाला है और इसका जो बैक लुक है वो बिल्कुल सिमिलर है GT10 प्रो के जैसा ही आप कह सकते हो। लेकिन जो ग्लिप्स इंटरफेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है GT20 प्रो 5G स्मार्टफोन में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा। तो फोन का लुक एंड डिजाइन काफी सही है। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इन्फिनिक्स GT20 प्रो 5G स्मार्टफोन है, इस फोन में आपको मिलेगा 6.678 इंच का फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में आपको मिलने वाला है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। काफी कम बेजल्स के साथ आएंगे जो कि देखने में काफी सही लगेगा, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल यहां पर डिस्प्ले काफी अच्छे क्वालिटी का होने वाला है और डिस्प्ले के ऊपर आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे साइड से आपको मिलेगा 108MP का AI ट्रिपल कैमरा जो की आने वाला है OIS के साथ, जहाँ पर मेन कैमरा होने वाला 108MP का जो की आएगा OIS के साथ। उसके बाद दो अन्य कैमरा होने वाला जो की 2-2 मेगापिक्सल का होगा और फ्रंट में आपको मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा जो कि आने वाला है सेंटर टेनी पंचोल के साथ। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में मिलेगा काफी लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200। ये प्रोसेसर काफी तगड़ा है बिकॉज इसका एंटीटू स्कोर आता है 1 मिलियन के आसपास और ये फोन आने वाला है LPDDR5 रैम के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। मतलब इन्फिनिक्स GT20 प्रो 5G स्मार्टफोन से परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलने वाला है और आप इसमें गेमिंग वगैरह हायर लेवल तक कर पाएंगे, बिकॉज ये फोन आने वाला है डेडिकेटेड गेमिंग चिप के साथ, जिससे आप गेमिंग और अच्छे लेवल तक कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन से आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा मिलने वाला है और 5G फोन है तो आपको मिलेगा 14 5G के बैंड। 5000mAh बैटरी के साथ ये फोन आने वाला है जो कि सपोर्ट करेगा 45W के चार्जर को और ये चार्जर आपको बॉक्स में मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा, डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है, हेडफोन जैक भी होने वाला है, NFC का भी सपोर्ट होगा और एंड्रॉइड 14 पर रन करता हुआ दिखेगा जो कि बेस्ड होने वाला है XOS पर। बाकी आप इस फोन का लुक एंड डिजाइन देख पा रहे होंगे, देखने में ये फोन काफी सही है। दोस्तों, इस फोन का सारा चीज सही है, लेकिन जो इन्फिनिक्स GT10 प्रो 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसका बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होता है। इन्फिनिक्स के फोन में यही एक प्रॉब्लम है कि बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी फोन काफी अच्छा होता है। वैसे अगर हम बात करें कि ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और किस प्राइस रेंज में आने वाला है, तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है मई के महीने में ही और ये फोन आने वाला है Under 20K में। Under 20K में ये फोन आएगा जो कि काफी बेस्ट हो सकता है और इसका भी पहला वेरियंट होने वाला है 8GB 256GB का। तो फोन काफी इंटरेस्टिंग होगा, स्पेसिफिकेशन भी काफी तगड़ा है और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। आप इस फोन को लेकर कितना एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।